आपको पता है कोई भी स्टोरी कोई भी फिल्म अच्छी कब बनती है, तब नहीं जब आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट लिख रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे सीन लिख रहे हो, पर तब जब जो इंसिडेंट हो रहे हैं जो सीन हो रहे हैं उसको प्रॉपर रीजन देते हो कि ये इंसिडेंट और ये जो बेसिकली जो है वो क्यों हो रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट बात मुझे इस फिल्म में दिखी। फिल्म का नाम है कैप्टन फिलिप्स। हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिने अनबॉक्सिंग में। फिल्म का डायरेक्शन किया है पॉल ग्रीनग्रास ने और जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं टॉम हैंक्स कैप्टन फिलिप्स का। तो ये स्टोरी बेस्ड है कैप्टन फिलिप्स नाम के एक आदमी पे, उसकी सर्वाइविंग स्टोरी है। ये स्टोरी शुरू होती है ओमान पोर्ट से। ओमान पोर्ट से उसे शिप ले जानी होती है केनिया में, पर उसका जो रूट होता है वो होता है ओमान से जिबूती, वहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहाँ से सोमालियन बेसिन और केनिया। तो इस रूट से उसे जाना होता है। जो बेसिकली जो शिप होती है उसमें खाना होता है और वाटर होता है और कार्गो भी होता है। तो बेसिकली जो केनिया में जो भुखमरी है, वहाँ जो फूड क्राइसिस है, वहाँ के जो लोग मर रहे हैं उनके लिए ये खाना और पानी होता है। तो जो शिप है वो रास्ते में ही जो सोमालियन पायरेट्स है वो कब्जा लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं और उसके बदले वो उसे जो कैप्टन है उसको पकड़ लेते हैं। तो वहाँ से छूटने की बेसिकली जो स्टोरी है वो इस फिल्म में दिखती है। पर मुझे इम्पोर्टेंट बात क्या लगी पता है, कि जो पायरेट्स है वो ये पायरेसी क्यों कर रहे हैं, वो हाईजैक क्यों कर रहे हैं शिप, ये बहुत अच्छी तरह से डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया है। जो अफ्रीका की जो कंडीशन है, जो सोमालिया की जो कंडीशन है, वहाँ फूड क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ क्राइम रेट कितना बड़ा है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से और मैच्योरली कवर किया है इस फिल्म में। इसकी वजह से ये फिल्म मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। हमें सिर्फ सर्वाइविंग ही नहीं दिखती है, हमें सिर्फ जो बेसिकली कैप्टन फिलिप्स किस तरह से वहाँ से भाग जाता है वही नहीं दिखता। वो शिप कब्जा क्यों किए है, वो शिप हाईजैक क्यों हुई है, जो कैरेक्टर्स है, जो सोमालियन पायरेट्स है, उनकी जो आप कैरेक्टराइजेशन भी देखोगे ना तो वहाँ से भी पता चलेगा कि वहाँ उनको खाना नहीं मिलता। उनका बॉडी टाइप देखोगे तो वहाँ से पता चल जाएगा वो बहुत ही कमज़ोर दिखते हैं। फिर उनके टीम में एक बच्चा भी होता है तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि वहाँ एजुकेशन नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कवर की है। बाकी फिल्म की स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छी तरह से लिखा है, हर बार टेंशन को राइज करता है, रिलीज करता है, राइज करता है, तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट है ना वो बना रहता है। कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फिल्म में। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कैमरा और म्यूज़िक ही है, क्योंकि कैमरा आप देखोगे तो बहुत हाईली अनस्टेबल है। दूसरी बात, आउट ऑफ फोकस और जूम का यूज़ किया है उन्होंने केओस क्रिएट करने के लिए। फिर जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ही शैलो रखी है, फोकस बहुत ही शैलो रखा है, तो इसकी वजह से जो केओस है वो बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई होता है। और ये सारी कैमरा की चीज़ है उनको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए उन्होंने म्यूज़िक और साउंड का यूज़ किया है। म्यूज़िक हाई इंटेंस म्यूज़िक रखी है और जो साउंड है शिप का और लहरों का वो बहुत ही ज़्यादा केओस क्रिएट करता है। तीसरी बात मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, एक जगह पर उन्होंने साइलेंस का यूज़ किया है। जब पायरेट्स उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं शिप की, तब जो सीन है उन्होंने हाई कटिंग रखा है, इंटेंस म्यूज़िक रखा है, फास्ट कटिंग जो पेस है वो बहुत कम रखा है, पर जब वो एंटर करते हैं शिप पे वहाँ उन्होंने साइलेंस क्रिएट किया है। तो इसकी वजह से जो फील है, जो फेयर वाला फील है जो कैप्टन को, वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होता है। तो वो बात मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया है। फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करो तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो उन्होंने चीज़ें दिखाई है बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही हाई बजट पे दिखाई है, क्योंकि लिटरली उन्होंने अमेरिकन नेवी दिखाई है, पूरा जो उनका एयरबेस है वो दिखाया है, जो बेस है वो दिखाया है, मिलिट्री बेस दिखाया है। तो इसकी वजह से जो आपको फील आ जाता है रियल वाला, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी उन्होंने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें की वो कि मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी, जैसे कि सोमालियन जो एनवायरनमेंट है वो दिखाने के लिए उन्होंने येलो और वार्म कलर का यूज़ किया है। और आप पैरेलल यहाँ देखोगे जो कैप्टन फिलिप्स की अमेरिका दिखाने के लिए उन्होंने ब्लू और कूल कलर का यूज़ किया है। तो इसकी वजह से जो सोमालियन एनवायरनमेंट है वहाँ की अनस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, और ब्लू कलर की वजह से जो सेफनेस है ना अमेरिका की वो फील होती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने हर फ्रेम में, सोमालिया के हर फ्रेम में रेड कलर का यूज़ किया है, उसकी वजह से जो वार्मनेस है वो ज़्यादा क्रिएट होती है। और पैरेलली यहाँ भी देखोगे तो उनके कपड़ों का कलर है जो कैप्टन फिलिप्स के, वो ब्लू या उसी टोन में कलर का यूज़ किया है। तो बाकी ये एनालिसिस था इस फिल्म का, आप भी जाके फिल्म देख सकते हो। फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है, आप ट्राई कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपने कुछ नया नोटिस किया हो। तो बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।